Hello students, I am Devendra, your computer teacher. Today we will discuss exercise of chapter 2. First, state whether true or false. True false हमें show करने हैं इसके अंदर. First आपका है the task bar is a vertical bar. Task bar जो होती है हमारी, क्या वो vertical bar होती है? नहीं, वो हमारी क्या होती है? Horizontal bar होती है. तो क्या जाएगा first का? फॉल्स. फर्स्ट का क्या आ जाएगा हमारे पास? फॉल्स. सेकंड आपका द स्टार्ट बटन मिनिमाइज ऑल ओपन विंडोज़ एंड डिस्प्ले द डेस्कटॉप. यानी स्टार्ट बटन जो होता है, जितनी भी हमारी विंडो ओपन होती है या टास्क ओपन होती है, उनको सबको मिनिमाइज कर देता और डेस्कटॉप शो कर देता. नहीं, स्टार्ट बटन तो हमारी एप्लीकेशन को एक्सेस करने के लिए यूज़ करते हैं, तो ये भी क्या आ जाएगा आपका? फॉल्स हो जाएगा. नेक्स्ट आपका है दिस शो डेस्कटॉप बटन गिव यू टू एक्सेस द डिफरेंट प्रोग्राम ऑन योर कंप्यूटर. सो डेस्कटॉप बटन जो हमें डिफरेंट प्रोग्राम को एक्सेस करने की परमिशन देता है. नो, फॉल्स है बेटा ये भी, क्योंकि स्टार्ट बटन के द्वारा ही तो हम लॉगिन ऐप्स को या एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, या फिर डेस्कटॉप पे जो एप्लीकेशन होती है उसको डबल क्लिक करके उसको ओपन करते हैं. फोर्थ आपका है द स्पीकर्स आइकन अपीयर इन द स्टार्ट मेनू. स्पीकर आइकन जो होता है हमारा, वो स्टार्ट मेनू में अपीयर होता है? नहीं, वो हमारा होता है नीचे टास्क बार पे, जिसके ऊपर हमारा स्टार्ट बटन होता है और राइट हैंड साइड टाइम होता है हमारा. ठीक है, टाइम, नेटवर्क और एनी अदर नोटिफिकेशन मोड जहाँ पे होता हमारा. नेक्स्ट आपका है द पिक्चर ऑन द मेन स्क्रीन इज कॉल्ड द डेस्कटॉप बैकग्राउंड. जो भी हमें आपको पिक्चर शो हो रही है आपकी, ठीक है, तो उसके ऊपर जो डेस्कटॉप के ऊपर हमारा दिखाई देती है, क्या उसी को डेस्कटॉप बैकग्राउंड बोलते हैं? ट्रू हो जाएगा. वो क्या होता है हमारा? ट्रू. तो इसका क्या हो जाएगा? ट्रू. ओके, आफ्टर दैट रीअरेंज द स्टेप बी पार्ट जो हमारा स्टेप टू चेंज द डेस्कटॉप बैकग्राउंड करेक्टली. हमें डेस्कटॉप का बैकग्राउंड चेंज करना है, तो उसके लिए हमें स्टेप्स हैं जो हमें रीअरेंज करनी है. ये 6 स्टेप दे रखे हैं और हमें इनको अरेंज करना है. फर्स्ट क्या है? क्लिक ऑन द पर्सनलाइज ऑप्शन. ये हमारी, हमें इनको अरेंज करना है. ठीक है, ये एक पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं है कि हमें फर्स्ट को कैसे करना है. फर्स्टली हम क्या करेंगे, राइट क्लिक ऑन द एम्प्टी स्पेस ऑफ ए डेस्कटॉप. स्टेप वन क्या लेंगे हम? फर्स्ट ऑप्शन लेंगे हम राइट क्लिक ऑन एन एम्प्टी स्पेस ऑन द डेस्कटॉप. डेस्कटॉप के एम्प्टी स्पेस के ऊपर हम राइट क्लिक करेंगे. नेक्स्ट जो हो जाएगा हमारा, तो ये क्या हो जाएगा? ये तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो गया. सेकंड पे हम क्या करें? क्लिक दी पर्सनलाइज ऑप्शन और हम सेकंड स्टेप पे हमारा क्या हो जाएगा? पर्सनलाइज ऑप्शन पे जाएंगे. थर्ड स्टेप होगा हमारा क्लिक ऑन दी डेस्कटॉप बैकग्राउंड ऑप्शन. थर्ड स्टेप होगा हमारा डेस्कटॉप बैकग्राउंड ऑप्शन. ठीक है, फोर्थ होगा क्लिक ऑन दी डाउन एरो टू एक्सपेंड दी पिक्चर लोकेशन लिस्ट. आपका फोर्थ स्टेप क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका. ठीक है, आपको डाउन एरो के द्वारा पिक्चर लोकेशन लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे. आफ्टर दैट आपका सेलेक्ट दी रिक्वायर्ड लोकेशन, और जो भी रिक्वायर्ड लोकेशन है जिसके ऊपर हमारी कोई पिक पड़ी है जिसको हमें डेस्कटॉप के बैकग्राउंड में लगाना है, उसको सेलेक्ट करेंगे हम. ठीक है, आफ्टर दैट
उस लोकेशन पे जाएंगे, सेलेक्ट द रिक्वायर्ड इमेज एंड क्लिक द सेव चेंज बटन, और जो भी इमेज है उसको सेलेक्ट करेंगे और उसको सेव चेंज बटन पे क्लिक कर देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, लास्ट स्टेप। ठीक है, मैंने इन सब का आंसर यहाँ पे अरेंजमेंट पर्टिकुलर अरेंज करके और इनको राइट कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है रीअरेंज द स्टेप टू चेंज द स्क्रीन सेवर करेक्टली। मैं स्क्रीन सेवर जो है उसको चेंज करना है, तो उसके लिए स्टेप दी है हमारी 6 स्टेप हैं, इनको अरेंज करना है। ठीक है, तो फर्स्ट आपकी क्या हो जाएगी, देखो, ऑन द डेस्कटॉप राइट क्लिक ऑन एम्प्टी स्पेस। फर्स्ट स्टेप क्या होगी हमारी, सेम रहेगी कि एम्प्टी स्पेस पे हमें क्या करना पड़ेगा, राइट क्लिक करना पड़ेगा। ओके, सेकेंड स्टेप क्या होगी आपकी, क्लिक द पर्सनलाइज ऑप्शन, क्लिक द पर्सनलाइज ऑप्शन, सेकेंड स्टेप ये हो जाएगी आपकी। थर्ड आपके होगी एट द बॉटम ऑफ द विंडो क्लिक द स्क्रीन सेवर ऑप्शन, स्क्रीन सेवर ऑप्शन के ऊपर जाएंगे हम, थर्ड स्टेप ये हो जाएगी आपकी। एंड फोर्थ स्टेप होगी आपकी क्लिक द डाउन एरो टू एक्सपेंड द स्क्रीन सेवर लिस्ट। फोर्थ स्टेप आपका 2 नंबर हो जाएगा। ठीक है, फिफ्थ हो जाएगा आपका सेलेक्ट द डिजायर स्क्रीन सेवर, और हम कहाँ जाएंगे, डिजायर जो भी स्क्रीन सेवर चाहिए हमें उसके ऊपर जाएंगे और क्लिक क्या कर देंगे, ओके क्लिक कर देंगे। इसका सॉल्यूशन मैंने यहाँ राइट किया और नेक्स्ट पेज पे ये आपका सॉल्यूशन है। ओके, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस गिवन है यहाँ पे, हमें उनके आंसर देने हैं। फर्स्ट आपका आंसर द फॉलो, फर्स्ट है व्हाट हैपेंस व्हेन वी डबल क्लिक एन आइकन, किसी आइकन के ऊपर डबल क्लिक करते हैं तो क्या होता है, तो आंसर क्या आएगा हमारा, स्पेसिफिक प्रोग्राम और डॉक्यूमेंट ओपन व्हेन वी डबल क्लिक एन आइकन, किसी भी आइकन पे अगर हम डबल क्लिक करते हैं तो वो आइकन या फोल्डर जो भी है वो क्या हो जाएगा हमारा, ओपन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट आपका व्हाट डिस्प्ले, व्हाट इज डिस्प्लेड व्हेन यू ओपन रिसाइकल बिन, रिसाइकल बिन को ओपन करते हैं तो क्या डिस्प्ले होगा हमारा, फाइल्स एंड फोल्डर्स डेट आर डिलीटेड, जिनको पहले डिलीट कर दिया है, आर डिस्प्लेड व्हेन वी ओपन रिसाइकल बिन। जैसे ही हम रिसाइकल बिन को ओपन करेंगे तो हमारे जो भी फाइल्स और फोल्डर्स हैं जो हमने डिलीट कर दिए वो शो होंगे हमारे, ठीक है, वो दिखाई देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका व्हाट इज दी एक्सट्रीम राइट हैंड साइड ऑफ द टास्क बार, टास्क बार के बिल्कुल राइट साइड क्या होता हमारा, ए स्मॉल वर्टिकल बटन कॉल्ड शो डेस्कटॉप इज एट द एक्सट्रीम राइट साइड ऑफ द टास्क बार, राइट साइड के बिल्कुल डेस्कटॉप के बिल्कुल राइट साइड में हमारा क्या होता है, ए वर्टिकल बटन होता है शो डेस्कटॉप। ठीक है, क्या होता है, कौन सा होता है, शो डेस्कटॉप। क्वेश्चन नंबर 4 था आपका वेयर इज द स्टार्ट बटन लोकेटेड, स्टार्ट बटन कहाँ पे होता है, द लेफ्ट एंड ऑफ द टास्क बार, टास्क बार का जो हमारा ये ऑप्शन होता है यहाँ पे जो ऑप्शन शो होता है वो हमारा क्या होता है, स्टार्ट बटन होता है। क्वेश्चन नंबर 5 था आपका नेम एनी टू आइकन्स इन द नोटिफिकेशन एरिया, दो आइकन्स के नाम बताने हैं हमें नोटिफिकेशन एरिया में होते हैं, जो नोटिफिकेशन एरिया शो द क्लॉक, नोटिफिकेशन एरिया क्या दिखाता है हमें, एक तो क्लॉक दिखाता है, एक ग्रुप ऑफ बटन्स डेट शो स्टेटस, और बहुत सारे बटन दिखाता है जो स्टेटस को शो करते हैं, जैसे एंटीवायरस का रिगार्डिंग है या फिर कोई हार्डवेयर रिजेक्ट किया है या उसको इंसर्ट किया है। ठीक है, नोटिफिकेशन अबाउट नेटवर्क कनेक्शन, और नेटवर्क कनेक्शन के बारे में शो करता है, बताता है हमें, और कोई अपडेट आता है विंडो का वो शो करता है, वॉल्यूम बटन होता है, ये सारे हमारे नोटिफिकेशन एरिया के अंदर बटन्स होते हैं। नेक्स्ट आपका है चैप्टर इज कंप्लीटेड, एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई आपकी चैप्टर 2 की।
ओके स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।